नमस्कार, आप देख रहे हैं आशक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दोषी करार सजा का इंतजार आसाराम के लिए, क्योंकि नाबालिग से बलात्कार के मामले में उसे दोषी तो करार दे दिया गया है, लेकिन अब किसी भी वक्त सजा पर फैसला आ सकता है कि आखिर उसे कितनी सजा होती है, न्यूनतम 10 साल या फिर अधिकतम आजीवन कारावास। जिस तरह की धाराएं उस पर लगी हैं, कुछ ही देर में माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है। टाइप किया हुआ फैसला है, जज साहब अंदर मौजूद हैं और वो पढ़ रहे हैं। शरद, जानकारी आ रही है कि जज साहब ने फैसला लिख लिया है, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, या अब हम माने कि 2 बज गए, फैसला आएगा बस। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये जोधपुर का सेंट्रल जेल है, जहां पर अंदर, यहां से करीब 3 किलोमीटर अंदर जो स्पेशल कोर्ट है, उसमें जज साहब बैठ के अपने चैम्बर से बाहर निकल के जज साहब अपने लिखे हुए फैसले को पढ़ रहे हैं। और वहां पर आसाराम कुर्सी पर बैठा हुआ है, आसाराम बार बार अपना सर पकड़ रहा है, कई बार वकील से अपने वक्त भी पूछा है, आज खाना भी नहीं खाया है आसाराम, हालांकि जज साहब भी खाना नहीं खाए हैं, आज वहां से निकले नहीं है। और 2 बज गया है, 12:30 बजे कोर्ट को खत्म होना था। जज साहब ने फैसला लिख लिया है, फैसला एक बार प्रूफ रीडिंग कर लिए फैसले की, उसके बाद भी एक बार फिर से फैसले को पढ़ रहे हैं कि जो लिखवाया है उसमें कहीं कोई त्रुटि तो न रह जाए। दरअसल इतनी धाराएं इसमें लगाई गई हैं, आप अपहरण से लेके, ट्रैफिकिंग से लेके, दुष्कर्म, साजिश रचना, गिरोह बनाना, इतनी तरह की धाराएं हैं कि जिसको आप लिखवाने में करीब 1.5 घंटे का वक्त चैम्बर में जज साहब ने गुजारा है। 1.5 घंटे तक फैसले को लिखा गया है, 1.5 घंटे तक फैसले को लिखने के बाद अब जज साहब कुर्सी पर बैठ गए हैं चैम्बर में और उस फैसले को पढ़ रहे हैं। जो आसाराम है, आसाराम वहीं बैठा हुआ है, अभियुक्त वहीं बैठे हुए हैं, वो जेल जो कोर्ट परिसर है, कोर्ट परिसर में पुलिस मौजूद है। जैसे ही दोषी करार दिया जाएगा, एक कैदी की तरह उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा आसाराम को। हालांकि अभी भी वो जेल के हिरासत में है, लेकिन अभी सजा याफ्ता है, लेकिन अब वो सजा, जैसे ही दोषी करार दिया गया है, वो कैदी बन गया है, सजाशुदा कैदी बन गया है। तो इस तरह से यहाँ पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। 10 से 15 मिनट जो पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद है, वो कह रहे हैं 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। शरद, जो धाराएं लगाई गई हैं, नाबालिग से बलात्कार का मामला तो है ही, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे संगीन, क्योंकि इसमें तो और कोई प्रावधान है ही नहीं, सीधा उम्र कैद। बिल्कुल वही कह रहे हैं, उम्र कैद, अधिकतम सजा उम्र कैद है इसमें। आसाराम को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग लगाया गया है, क्योंकि आप हरिद्वार छिंदवाड़ा से मढ़ई आश्रम, इसको ट्रैफिकिंग की संज्ञा दी गई, साजिश करके ट्रैफिकिंग की संज्ञा दी गई है। और इस तरह की धारा लगाई गई है, साजिश के भी है, दुष्कर्म के भी है। तो जो ज्यादातर 3-4 जो धाराएं हैं उसमें उम्र कैद की सजा है, उम्र कैद की सजा है। कम से कम लोग मान रहे हैं कि 10 साल से कम नहीं होगी, जिस तरह के संगीन आरोप है, साजिश है। क्योंकि जब शरद चंद और शिल्पी उप संचिता गुप्ता दोषी करार दी गई, इसका मतलब साजिश प्रूफ होता है, साजिश माना गया है कोर्ट के जरिए, और साजिश हो, ट्रैफिकिंग हो, इन सब में उम्र कैद की सजा है। शरद, आप बने रहिए और जैसे कुछ आता है फौरन हाथ उठाइएगा। हमारे साथ 2 वकील हैं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आभा सिंह जी और रेखा अग्रवाल जी दोनों एक बार बता दें वकील के तौर पर कि वो किन दलीलों को ठहरते हुए देखते हैं, क्योंकि जो संगीन धाराएं रेखा अग्रवाल जी लगाई गई हैं, क्या लगता है आपको, 10 साल या फिर आजीवन कारावास, किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? मुझे तो इसमें आजीवन कारावास के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी मामले सामने आए हैं, पूरा तो हमने नहीं ऑर्डर को पढ़ा है, जजमेंट को नहीं पढ़ा, और चार्जशीट भी सामने नहीं है कि क्या क्या एग्जैक्टली मटीरियल था जज साहब के सामने। परंतु जब भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की धारा लग जाती है, वो इतना संगीन आरोप है, पहली बात तो बच्चे के साथ बलात्कार, बलात्कार अपने आप ही एक बहुत बड़ा अपराध होता है, और वो भी अगर किसी बच्चे के साथ, वो नाबालिग बच्चे के साथ जो आपने किया, तो उसके अंदर पॉक्सो कानून भी लग जाता है, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो निर्भया केस के बाद में हुआ, उसके अंदर भले एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं भी हो, तो कोई भी तरह की छेड़छाड़, क्योंकि आजकल जो जमाना आ गया कानूनी, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, क्योंकि डीजी वंजारा यही दलील दे रहे थे, मेरे पास भी उस लड़की का बयान है, इस ये बातें अब नहीं ठहरती हैं। वंजारा साहब शायद बहुत लंबा वक्त जेल में बिता चुके हैं, इसलिए जान नहीं रहे हैं। देखिए, एक्चुअल पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप निर्भया केस के बाद में जो कानून के अंदर 2013 में क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आया था, ये जो संशोधन आया था, वो एक बहुत ही विस्तार से, जैसे कहते हैं ब्रॉड, उसका व्यू लिया गया था बलात्कार का, बलात्कार के अंदर जहां पर एक अभी तक एक रूढ़िवादी सोच थी कि एक्चुअल पेनिट्रेशन जो है मेल ऑर्गन का फीमेल ऑर्गन में होना चाहिए, तभी उसको बलात्कार माना जाता था। परंतु निर्भया केस के अंदर तो ये भी दलील आई थी कि क्या उसका, निर्भया का बलात्कार हुआ भी नहीं, क्योंकि उस केस के अंदर जो दोषी थे उन्होंने ये कहा था कि
एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, उन्हीं बातों को देखते हुए क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट आया। तो भले इस केस के अंदर जो ये जो लड़की जो प्रोसिक्यूटरिक्स है, अगर वो उनके साथ में एक्चुअल पेनिट्रेशन का आरोप नहीं भी हो, तो आज जो है कानून इतना बड़ा विस्तार हो चुका है उसका कि उसके अंदर कोई भी तरह की छेड़छाड़ किसी महिला के साथ होती है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध होती है, और अगर बच्ची हो तो उसके अंदर इच्छा का तो मामला आता ही नहीं है। बिल्कुल, और इस बच्ची ने तो आभा सिंह जी ये भी बताया है, उसका बयान मेरे हाथ में है, कि कैसे 1.5 घंटे आसाराम ने उसे कमरे में बंद रखा, और जो उसके साथ व्यवहार हुआ होगा हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही बिल्कुल कमरे में बंद रख, बोलिए, कमरे में बंद रखा, उसके साथ बलात्कार किया, फिर धमकी दी कि तुम्हारे माँ बाप को मरवा देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, इसलिए तुम इसकी कंप्लेन मत करना। और तभी ये बच्ची जब अपने माँ बाप के साथ दिल्ली पहुंची है, तब दिल्ली में पुलिस स्टेशन में 0 FIR लिखी गई। तो ये रेप के साथ गैंग रेप, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, न सिर्फ ट्रैफिकिंग में लाइफ इंप्रिजनमेंट है, बल्कि पॉक्सो एक्ट का भी सेक्शन 6 है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें भी 10 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान है। तो एक नहीं, 2 जगह लाइफ इंप्रिजनमेंट इनके ऊपर बनता है, और मैं चाहूंगी कि इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबा जो धर्म के नाम पे भोली भाली महिलाओं को अपने आश्रम में बुलाते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं, उनके बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, इनको कोई भी सहूलियत नहीं दी जानी चाहिए। इनके वकील आज हाईकोर्ट में खड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट भी कोई सहूलियत ना दे। आज छोटी बच्चियों का जिस तरह आए दिन गैंग रेप हो रहा है, जब तक हम एक सख्त सजा नहीं देंगे तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा। आप पॉक्सो एक्ट में डेथ पेनल्टी ला रहे हैं, लेकिन आप अगर आज आसाराम को छोड़ते हैं तो मैं कहती हूं कि लोगों को खौफ और डर कानून का खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और शरद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि वो बेल एप्लीकेशन पर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क किया था कि आप लोग केस को घसीट रहे हैं, 104 बार एक एक विटनेस को बुला रहे हैं। शरद यहां तक कहा था कि इस शख्स का जेल से बाहर रहना बहुत खतरे की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से जान जा रही है चश्मदीदों की, 3 चश्मदीदों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। शरद बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजना, उसी वजह से बेल जो है बार बार रिजेक्ट किया गया था। देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि आसाराम कभी नहीं चाहता था कि वो फैसले पर आए, मामला हमेशा बेल के लिए जाता था, बार बार ये आसाराम जो है बेल के लिए जाता था, वो फैसला नहीं चाहता था, वो चाहता था कि बेल मिल जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो अलग अलग ग्राउंड लेता था कि बीमार हूं, बीमारी रहती है, यहां तक कि कहा कि मेरे रिश्तेदार की मौत हो गई है, उनके फ्यूनरल में जाना है, उस पर भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि किसी तरह से जमानत मिल जाए, तब कोर्ट ने कहा था कि आपको जमानत नहीं देंगे, मैं डेली बेसिस पर सुनवाई करेंगे, डे टू डे सुनवाई की गई है, तब जाके आज फैसला आया है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आसाराम की नीयत बेल लेने की थी, बेल लेकर बाहर आकर मामले को कंट्रोल करने की थी, नहीं कि इसको इस फैसले की परिणति पर पहुंचे। लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देकर कहा कि रोज पर रोज सुनवाई होगी, और रोज पर रोज सुनवाई होने के बाद आज फैसला का दिन आया है। अंधविश्वास का लेकिन एक ऐसा समूह भी है जो आज भी इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कई लोगों को जकड़ कर रखता है, और शायद उसी का हम परिणाम देख रहे हैं कि समर्थक आज भी कई जगहों पर निराशा जाहिर कर रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने इंसाफ किया है आज उस बच्ची के साथ। शरद एक बार फिर से, चूंकि लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं कि फैसला कब आएगा, अब किसी भी क्षण वहां पर आ सकता है, आसाराम आज फैसला सुनने के बाद निढाल हो गया, बैठ गया और कहने लगा वकीलों को कि कुछ तो बोलो, जिसने इतनी ताकत देखी थी लोगों पर, राजनेताओं पर, आज जब सामना उसका फैसले से हुआ तो मुश्किल हो रहा होगा अहंकार के घूंट को पी पाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजना, हमने उस अहंकार को देखा है, जब आसाराम आता था तो किस तरह उसने भाषणों में बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर किन किन नेताओं को उसने नचाया है, तो एक अहंकार था। लेकिन जैसे ही फैसला सुनाया गया, जैसे फिल्मों में होता है अचानक से लोग हंसने लगते हैं, कोई बुरा दिन आता है तो अक्सर फिल्मों में देखा जाता है, आम दिनों में नहीं होता है, उसी तरह से आसाराम हंसने लगा, और हंसने के बाद अचानक से वो निढाल हो गया है, निढाल होकर बैठा है, तब से गुमसुम बैठा है। और जैसे ही सजा पर सुनवाई शुरू हुई कि कितनी सजा दी जानी चाहिए आसाराम को,
आसाराम को लगा कि हमारे वकील ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो पीछे से कुरेदने लगा अपने वकील को, तुम बोलो, क्योंकि वकीलों को कह रहा था कि तुम कहो कि कम से कम सजा हो। आसाराम चाहता था कि करीब पौने 5 साल हम यहाँ पर गुजारे हैं, कम से कम 1-2 साल में यहाँ से निकल जाए, वो ऐसी मनसा थी। क्योंकि दोषी होने के बाद वकील को कुरेदना कहना कि तुम बोलो, कुछ तो बोलो, इसका मतलब आसाराम जल्दी छूटने की जुगत में था। लेकिन कोई इस पर असर होता दिख नहीं रहा है कि जज साहब ने जिस तरह से वक्त लिया है वो अपने आप में दिखाता है कि भाई पुलिस के अधिकारी हैं। हमने पूछा था कि जज साहब का बॉडी लैंग्वेज क्या है, बाकियों का बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो बताया था कि जिस तरह से उम्मीद, जिस तरह से आपके वकील भी कह रही थी वहां पर उम्र 10 साल से लेकर उम्र कैद की बचा के बीच की लोग मान रहे कि सजा हो सकती है, उससे कम की नहीं। लेकिन अभी भी वो निढाल बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, बिना खाए बैठा हुआ है। कल भी उसने भोजन नहीं किया था, आज सुबह पूजा करने लगा, 15 मिनट कोर्ट आया, उसके बाद यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके जो दोनों शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता और शरद चंद, ये दोनों जो उसके सेवक हैं वो वहां पर खड़े हैं, वकील हैं। अब वो वकीलों से बात नहीं कर रहा है, उसको लगता है कि वकील हमें साथ नहीं दिए। उसके जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के वकील, जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। शरद, जी हाँ, जज साहब यहाँ आकर बैठ गए थे और वो किसी भी वक्त फैसला सुना सकते हैं। मैं आपको उस थोड़ी देर में आपको अपडेट करता हूँ। बिल्कुल, आप आपसे अपडेट लेते हैं। इस बीच हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, आसाराम पर जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जो जानकारी कोर्टरूम के अंदर से आ रही है, पहले ही जज साहब सुनवाई कर चुके थे, बहस पूरी हो चुकी थी, फैसला लिख चुके थे और अब उस फैसले को पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर आसाराम के लिए वही घड़ी जब फैसले का करना होगा सामना, पहले दोषी करार और अब सजा का होगा ऐलान। और इन सब के बीच भविष्य और किस्मत आज आसाराम की लिखी जा रही है, और वो भी कहीं और नहीं, जज साहब द्वारा कानून के कटघरे में, उसी कोर्ट में जहां पर न्याय से बड़ा कुछ नहीं है। अगर धर्म की आड़ में, विश्वास की आड़ में, आस्था की आड़ में किसी ने किसी के साथ ऐसा किया हो तो फिर अंजाम क्या हो सकता है, आज इस सच का सामना हो रहा है आसाराम का। एक दोषी करार सजा का इंतजार अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि आसाराम पर फैसला सुनाया जा सकता है, सजा का ऐलान हो सकता है। दरअसल दोषी तो उसे आज सुबह करार दे दिया गया था, जब फैसला सुनाया गया आसाराम निढाल होकर बैठ गया, पहले तो हंसने लगा जोर जोर से, उसके बाद निढाल होकर बैठ गया, वकीलों को कहने लगा, उकसाने लगा कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, राम नाम भी जपने लगा। शरद के पास चलते हैं अपडेट के लिए। शरद, शरद से बातचीत करेंगे। रेप केस में जब फैसला आया और दोषी करार दिया गया तो आसाराम वहां पर पहले हंसने लगा, फिर राम नाम जपने लगा, वकीलों को कहने लगा कुछ तो बोलो, किसी तरह से तो बचाओ। हालांकि सजा पर भी बहस पूरी हो चुकी है और आसाराम के वकील ने वही उसकी उम्र की दुहाई दी है। सीधे अपडेट के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कोई जानकारी? शरद, सजा का ऐलान होना है और इसी का इंतजार हो रहा है। शरद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, देश भर से अलग अलग जगह हमारे सहयोगी हैं, उनके आश्रमों में बड़ी निराशा है, लेकिन साथ ही देश को फैसले का इंतजार है क्योंकि आज उस नाबालिग बच्ची के साथ इंसाफ हुआ है। लॉटरी लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।